पर गोली भी मारनी पड़ी ना बहुजन समाज की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए। बहन मायावती जी का अपमान किया आपने, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए, बहन मायावती जी के सम्मान के लिए और देश के करोड़ों दलितों बहुजनों के सम्मान के लिए अगर आपको गोली भी मारनी पड़ी ना तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। रीटा चड्ढा गोली से उड़ा दिया जाएगा आपको, ध्यान रखना। हमें मालूम चला है मीडिया के माध्यम से कि इस फिल्म की एक्ट्रेस रीचा चड्ढा ने दिखा करके उनका जीवन चरित्र दिखा करके उनका चरित्र हरण किया गया, बेहूदगी की गई, बेशर्माई की गई, अश्लीलता की गई और बहन मायावती जी का अपमान किया गया। चीफ मिनिस्टर, 22 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म, जिस फिल्म में बहन कुमारी मायावती जो देश के करोड़ों बहुजनों की नेता है, देश के करोड़ों बहुजनों की आदर्श है, महिलाओं की आदर्श है, सारो समाज की नेता है, बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ उनकी बायो क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद मैडम। और ये कहा है कि जो फिल्म मेकर्स हैं वो सारी बातें उनके ऊपर नहीं डालना चाहती कि उन्होंने गलती की है, ये फिल्म जो है उनके लिए एक सीखने का अवसर है, सीखने का मौका है और डिजाइन करना किसी भी पोस्टर को वो उनके हाथ में नहीं होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। और इससे भावनाओं को ठेस पहुंची है दलितों की तो वो माफी मांगती है। रीचा चड्ढा का कहने का मतलब है साफ तौर पे कि फिल्म मेकर्स पर वो सारी बातें नहीं डालना चाहती, वो फिर भी उनका बचाव कर रही है और खुद माफी मांग रही है। फिर कहते कि पोस्टर डिजाइन करना जिसमें झाड़ू दिखाई गई थी, दलितों का अपमान किया गया था, वो डिजाइन वो खुद नहीं करती। कहने का मतलब आप गलती करें एक बार नहीं कई बार करें और फिर फिल्म मेकर्स का भी बचाव करें, निर्माता का भी बचाव करें, निर्देशक का भी बचाव करें और फिर डिजाइनर का भी बचाव करें जो पोस्टर डिजाइन करते हैं। पूरी फिल्म आपने बनाई, आप फिल्म की एक्ट्रेस, आपके निर्माता, आपके निर्देशक, आपके कहानीकर्ता, कहानी के गढ़ने वाले, स्टोरी को लिखने वाले, इनकी सबकी गलतियों पर पर्दा भी आपने डाल दिया, अपनी गलती पर भी पर्दा डाल दिया और हाथ जोड़ के आपने माफी मांग ली, आपका पीछा छूट गया। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है रीचा चड्ढा और डायरेक्टर सुभाष कपूर, आप भी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। गलतफहमी में ना रहे, आपने देश के करोड़ों बहुजनों के साथ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आपने देश के करोड़ों बहुजनों की भावनाओं का खिलवाड़ करने के साथ साथ उनका मजाक बनाया है। एक उत्तर प्रदेश इकलौता प्रदेश है जहां पर शेड्यूल कास्ट बहुजन समाज की सर्व समाज की नेता बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री रही, वही उत्तर प्रदेश आपने दिखाया। बालों की पूरी कटिंग बहन जी की दिखाई आपने, जीवन चरित्र बहन जी का दिखाया। बहन जी ने अपना घर त्याग दिया था इस बहुजन समाज के लिए, दबे कुचले समाज के लिए और आपने ये दिखाया कि घर से भाग आई थी और मास्टर जी ने रख ली। मास्टर जी को आपने साहब काशीराम दिखाया, मान्यवर साहब काशीराम जिन्होंने अपनी जूते घिस दी, अपनी चप्पलें घिस दी, उनके पैरों में छाले पड़ गए, बहुजन समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का इतिहास मनुवादी लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग बिल्कुल समाप्त कर चुके थे। ऐसे समय में मान्यवर साहब काशीराम जी ने संघर्ष किया और बहुजन समाज के सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दोबारा से पुनर्जीवित करने का काम जो है मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया और आपने मास्टर जी की संज्ञा मान्यवर साहब काशीराम जी को दे दी और फिर आप माफी मांग रहे हैं, आप बेशर्माई कर रहे हैं। आपने कुछ घंटों की एक फिल्म बना दी, अपमान तो आपने कर ही दिया, अब आप माफी मांगेंगे, आपकी फिल्म रिलीज हो जाएगी। आप गलत फहमी में ना रहे, हम आपकी फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे, पोस्टर फटेंगे और थिएटर जलेंगे। और रीचा चड्ढा, पिछली वीडियोज में भी मैंने कहा कि जो व्यक्ति, जो बहुजन समाज का साथी, जो भाई या बहन रीचा चड्ढा की जबान काट करके लेके आएगा उसे हम लोग इनाम देंगे, उसे सम्मानित करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी की 2 करोड़ रुपए की कीमत वाली शील्ड से उसको सम्मानित किया जाएगा और जो सुभाष कपूर डायरेक्टर को लेकर के आएगा हमारे सामने, हम सुभाष कपूर डायरेक्टर की नंगे घुमाएंगे पूरा सड़क के ऊपर, उसकी परेड कराएंगे। लेकिन सिर्फ जुबान काटने से रीचा चड्ढा काम नहीं चलेगा। अब जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं रात रात में इस वीडियो को वायरल कर दें, अगर आपने बाबा साहब अंबेडकर जी का नमक खाया है, आपके रगों में बाबा साहब अंबेडकर जी का खून दौड़ता है, मान्यवर साहब काशीराम जी का खून दौड़ता है, आपके रगों में
संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का खून दौड़ता है, आपके रगों में संत कबीरदास जी का खून दौड़ता है, गुरु नानक देव का खून दौड़ता है, सरदार उधम सिंह का खून दौड़ता है आपकी रगों में, आपकी रगों में महात्मा ज्योतिबा राव फूले का, माता सावित्रीबाई फूले का अगर खून दौड़ता है, साहू जी महाराज का खून दौड़ता है आपकी रगों में, अपने महापुरुषों का खून दौड़ता है, रातों रात इस वीडियो को वायरल कर दें, जिम्मेदारी आपकी है। अगर बहन जी का अपमान होगा और अगर हम युवा वर्ग, देश की महिलाएं, देश का दलित समाज अगर चुप बैठ जाए, खामोश बैठ जाए, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा, आप खुद सोचिए इस बात को। सपना चौधरी ने भी माफी मांगी थी, सपना डांसर ने भी माफी मांगी थी, नाक रगड़वा दी थी सपना डांसर की पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने, हाईकोर्ट चंडीगढ़ तक के धक्के खिलवा दिए थे उसको, पुलिस थानों में धक्के खिलवा दिए थे उसको, और जो रागनी उसने गाई थी उस रागनी को आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर ने अपने समाज के साथ मिल करके उस रागनी को बैन करवाया, आज कहीं भी वो रागनी गाई नहीं जा सकती।